नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। लोहरदगा जिला में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिले के विद्युत व्यवस्था को लेकर पत्राटोली स्थित विद्युत कार्यालय का घेराव किया। जिले में विद्युत की जो व्यवस्था है फिलहाल मात्र 7 से 8 घंटा ही मिलता है। युवा मोर्चा के नेताओं ने झारखंड सरकार के व्यवस्था को जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल थे। राजनीति ये नहीं है, अगर राजनीति करना होता भारतीय जनता पार्टी को तो ये किसी एक पार्टी का या एक आदमी का मुद्दा नहीं है। पूरे लोहरदगा की जनता त्रस्त है, जो बिजली का व्यवस्था है यहाँ पे, हम भी त्रस्त है, मीडिया बंधु भी त्रस्त है, एक एक आदमी त्रस्त है। 24 घंटा में मुश्किल से हमको लगता है 7 से 8 घंटा बिजली रह रहा है। 12th का एग्ज़ाम है बच्चों का। लोहरदगा के जनता को ये लोग समझ लिए हैं कुत्ता बिल्ली टाइप, जैसे कुत्ता बिल्ली रोड पे रहते हैं ना, ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग समझ लिए हैं कि रोड पे ये लोग को छोड़ दो और ना बिजली दो ना पानी दो, ये लोग ऐसे ही रह लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, यहाँ के माननीय एक सांसद जी हैं, वो मेरे को लगता है किसी तालाब में और जेटस्की चला रहे हैं। अरे सर, हम लोग को जेटस्की नहीं चाहिए, बिजली दे दीजिए, बिजली करवा दीजिए, बिजली का व्यवस्था यहाँ ठीक करवा दीजिए, हम लोग को नहीं चाहिए तालाब में जेटस्की चलाना, कोई नहीं चलाता है यहाँ जेटस्की, आप यहाँ बिजली का व्यवस्था ठीक करा दीजिए, यही निवेदन है आप लोग से। यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक है, माननीय मंत्री हैं, यहाँ पर झारखंड की सरकार है, माननीय मंत्री हैं, आपके ज़िले में आपका क्षेत्र है ये, और बिजली का ये व्यवस्था उसको लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा आज ये धरना प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे और 1 घंटे बाद यहाँ पे तालाबंदी का कार्यक्रम भी होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।